वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे गाइस। आप व्यू देख सकते हैं, मैं आई हुई हूँ डार। नाम पता है मुझे इस गांव का डार, ये मेरी अम्मा का नान का है। पहले मैं अपने नान के आई हुई थी, अब मैं अपनी अम्मा के नान के आ गई हूँ। तो आप सुबह सुबह व्यू देख सकते हैं, सुबह का टाइम है, सूरज भी निकल चुका है और धुंध भी पड़ी हुई है। सामने पहाड़ों पर आप देख सकते हैं। और आज यहाँ पर मेरी अम्मा के नानी और नाना अबू की दुआ है, यानी ख़त्म है। तो यहाँ पर कुछ काम चल रहे हैं। यहाँ पर ना जब कोई दुआ होती है, ख़त्म होता है, तो घर में ही खाना बनाया जाता है और कुक बाहर से मंगवाए जाते हैं। तो ये मेरे मामू आलू छील रहे हैं, ये मेरे कज़न जो हैं ये टमाटर काट रहे हैं, मेरे मामू जान हैं और ये मेरे कज़न हैं। तो ये बकरे का गोश्त काट रहे हैं, इन्होंने बकरे को ज़िबा किया है पहले, यहाँ पर ज़िबा किया। आप देख सकते हैं ये खून भी पड़ा हुआ है और वो बकरे की स्किन भी पड़ी हुई है। तो अब ये इसको काटेंगे अच्छी तरह से, फिर धो लेंगे। तो बस फिर मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें साथ साथ दिखाती रहूँगी। अब मैं भी नाश्ता कर लूँ, पहले फ्रेश हो जाऊँ, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी जब ये बना रही होंगी। माँ बिल्कुल कहीं गायब हुई हुई है, नजर ही नहीं आ रही, और उसका बच्चा रोई जा रहा है। कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। कश्मीर में कोई शादी हो या कोई खत्म हो तो खवातीन और हजरात, मर्द हजरात सारे मिलजुल के काम करते हैं। अब ये देखे मेरी अम्मा लहसुन पीस रही हैं। हमजा जल्दी काम करते हैं ना, ये क्या किस टाइम के टमाटर तुमसे नहीं काटे जा रहे हैं। कितने एक रह गए मामू जान? ये धरती का बोझ आ गया, थोड़े से रह गए हैं। तो अब मैं नानो के घर वापस आ चुकी हूँ। मैं वहाँ पर व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा सिग्नल्स, पानी भी लाया जा रहा है, व्लॉग नहीं डाल सकी थी। ये देखे ये बच्चियां पानी लेकर आ रही हैं पीने वाला। तो ये खाना बना जहाँ पर बना रहे थे वहाँ पर सारी चीज़ें पड़ी थी। वहाँ पर तो मैं जा नहीं सकी थी क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि मर्द हजरात होते हैं तो अच्छा नहीं लगता, वहाँ पर लेडीज़ का जाना अलाउ भी नहीं होता। तो मैंने फिर अपने कज़न को बोला था, मैंने कहा आपने ना शॉर्ट्स बना के ना मुझे सेंड कर देने हैं, तो फिर मैं अपने ब्लॉग में वो सारी चीज़ें डाल दूँगी। तो खाना जो था वो मेरे मामू ने बनाया था, उन्होंने चिकन बिरयानी बनाई थी और गोश्त का कोरमा बनाया था, और जो मैंने आपको पहले बकरा दिखाया था ना इसी बकरे को इन्होंने ज़िबा किया था, और इतना कोई टेस्ट था इस बकरे में, माशाल्लाह माशाल्लाह से। इन्होंने तकरीबन एक साल इस बकरे को घर में ही पाला था और फिर इन्होंने इसको मतलब इसकी दुआ करा ली थी और इसको ज़िबा कर लिया था उस टाइम पर। तो बहुत मज़े का खाना था, बहुत ज़्यादा, जितनी भी तारीफ़ की जाए ना उतनी कम है, लेकिन बहुत मज़ा आया था खाना खाते हुए। सच में इतने मज़े का खाना मुझे नहीं लगता कि मतलब मामू के हाथ का बनाया हुआ इतने मज़े का खाना मैंने कभी इस आज से पहले खाया। तो मामू ने बिरयानी भी बनाई थी और कोरमा भी बनाया था और सब्ज़ी और दाल को मिक्स करके बनाया था, उसमें आलू भी डाल दिए थे। और ये चपातियाँ बना रहे थे, कोई इनके नेबर थे तो वो चपातियाँ बना रहे थे, और चपातियाँ ना कच्ची थी, उन्होंने सही से बनाई नहीं थी, उसके साथ आटा भी बहुत ज़्यादा लगा लिया था, खुश्क आटा नहीं होता वो वाला, और चपातियाँ सही से इन्होंने पकाई भी नहीं थी। तो इसलिए मैंने चपातियाँ तो नहीं खाई थी, लेकिन मैंने खाए थे चावल पेट भर के, और बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी सी दुआ हो गई थी। और ये दुआ मैंने आपको पहले बताया ना कि दुआ जो थी वो मेरी अम्मा के नाना अबू और नानी अम्मा की दुआ थी, उनकी बरसी आप कह सकते हैं कि उनकी बरसी थी। तो उन्होंने वो करवाई थी उस बकरे को घर में पाल के ना, फिर उस बकरे की कराई थी। और ये शॉर्ट्स अगर आपको अच्छे ना लगे तो माइंड मत कीजिएगा क्योंकि मैंने कज़न से बनवाए थे। और ये मोहल्ले के कुछ बच्चे थे और कुछ अपने ही कज़न्स वगैरह थे जो बैठ कर सिपारा पढ़ रहे थे, और माशाल्लाह माशाल्लाह से 16 कुरान पाक उनके ना उनकी बरसी पे ख़त्म किए गए थे। और कुछ जो मदरसे के बच्चे होते हैं उन्होंने भी पढ़ लिए थे, और कुछ जो अब बैठ के पढ़े थे उन्होंने भी पढ़ लिए थे। उसके बाद कज़न ने जो उनका अपना बच्चा था, कज़न मतलब कज़न ही कह सकते हैं उसको आप, तो वो हाफिज़ कुरान था और उसने दुआ करा ली थी, बहुत अच्छी दुआ कराई थी उसने, बस अल्लाह ताला इसको कबूल करे। तो उसके बाद फिर पहले मर्द हजरात ने बैठकर खाना खाया था, फिर खवातीन ने बैठकर खाना खाया था, बहुत मज़ा आया था खाना खाते हुए। तो बस यही था व्लॉग, इतना ही मैं बना पाई थी वहाँ पर, इतना ही मेरे लिए पॉसिबल था। तो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।